इंडियन लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के एड्स को देखकर गोरा और सुंदर देखने के लिए क्रीम्स मंगाते हैं, बट ये क्या, ये तो और ज्यादा उन्हें काला और बदसूरत बनाते जाता है। द रीजन इज ये जो फेस क्रीम्स जिनकी सबसे ज्यादा मार्केटिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा हार्श केमिकल से बने होते हैं जो कि आपकी स्किन को बर्बाद करके रख देते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या इंडिया में कोई भी ऐसा फेस क्रीम नहीं जो मैं एक्चुअल में सुंदर एक्चुअल में बुरा बना सके? द आंसर इज वेरी सिंपल, प्रेजेंट है, लेकिन आप रिसर्च नहीं करते हो। आपको जो बार बार एड्स में दिखाया जाता है आप वही खरीद लेते हो। बहुत रिसर्च करके 8 ऐसे पावरफुल फेस क्रीम्स लेकर आया हूँ आपके लिए जो सच में आपको हैंडसम दिखा सकती है, सच में आपको गोरा बना सकती है। इन फेस क्रीम्स को लगाने से सच में आपका स्किन गोरा होता है, सारे स्किन प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, आप एक्चुअल में सुंदर दिखते हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखने लगते हो, क्योंकि ये सच में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हैं एंड इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। वीडियो को एंड तक देखो, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी एंड वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे पहचाने केमिकल युक्त प्रोडक्ट को एंड नेचुरल प्रोडक्ट को। नंबर 1, संतुलन का राधा फेस ऑयल। ये फेस ऑयल आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, फेस में हुए इन्फेक्शंस को खत्म करता है, एक्ने को खत्म करता है, फेस में हुए इरिटेशन को भी खत्म करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ज़्यादा नेचुरल हैं, आप देख सकते हो दही, दूध, चंदन, कोकोनट ऑयल, सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम नेचुरल हैं। यह आपको अप्लाई करना है आफ्टर वॉशिंग द फेस विथ वार्म वाटर। यह आपके फेस पे चमक लाएगी, पिंपल्स को हटाएगी और फेस से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करेगी। सेकेंड, बिलूमा स्किन व्हाइटनिंग क्रीम। यह आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा लाइट देता है, चमक देता है और आपकी स्किन से दाग धब्बों को हटाता है, उसके साथ साथ जो डार्क सर्कल्स होते हैं उसको भी हटाता है। यह आपके स्किन टोन को भी बहुत हद तक बढ़ाता है, अगर आप काले हो तो बहुत हद तक ये कोशिश करता है आपको गोरा करने की, और अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं सूरज की किरणें उससे भी ये आपको बचाता है। अल्ट्रावायलेट रेज की कई सारे प्रकार हैं जो हमारे स्किन पर पड़ती है जिससे प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ स्किन होने लगती है एंड आप पिगमेंटेशन से भी जूझने लगोगे, स्किन पर दाग धब्बे होने लगेंगे, और जिसको ही ये बिलोमा क्रीम हटाती है। इसमें कोजिक एसिड, अर्ब्यूटीन जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलाए गए हैं। पॉइंट नंबर 3, ब्रिलियंट इंटेंस सीरम। ये डार्क स्पॉट्स को कम करती है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा चमकदार बनाती है। इसे हाईली इफेक्टिव स्किन ब्राइटनिंग क्रीम्स में रखा गया है और ये एंटी एजिंग बेनिफिट्स के साथ आता है। इसमें भी अल्फा अर्ब्यूटीन, लाइकोराइस एक्सट्रैक्ट जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। ये एक सीरम की तरह होता है, जब आप इसे यूज़ करोगे ये लगेगा आपको पानी की तरह यूज़ कर रहा हूँ फेस पे, और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है अब तक। पॉइंट नंबर 4, जस्ट हर्ब्स मसाज क्रीम। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका ड्राई स्किन है। अगर आप चेहरे पे चमक लाना चाहते हो, ग्लो लाना चाहते हो, तो ये क्रीम आपके लिए है। ये हर्बल फेस वॉश अश्वगंधा, मंजिस्ता, सैंडलवुड जैसे इंग्रेडिएंट्स से बनाया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। ये आपके रफ, डल, ड्राई स्किन को काफ़ी अच्छा बना देती है एंड उसे काफ़ी ज़्यादा चमकदार बना देती है, काफ़ी ज़्यादा उसे स्मूथ बना देती है। पॉइंट नंबर 5, कोविजीत प्लस जेल। इसमें ऑक्सीजन ऑक्साइड है जो आपके फेस पे फिल्टर की तरह काम करता है और सूरज के यूवी रेज से आपको प्रोटेक्ट करता है। इसमें अर्ब्यूटीन है जो आपके स्किन लाइटनिंग एजेंट की तरह काम करता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा लाइट देता है, चमकदार बनाता है। कोजिक एसिड जो कि नेचुरल ही स्किन ब्राइटनिंग एजेंट है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है, और ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को लाइक रिंकल्स को हटाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ज़्यादा नेचुरल हैं। पॉइंट नंबर 6, मेला ग्लो रिच क्रीम। ये हाइपर पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स को हटाता है, आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाता है, हेल्दी बनाता है, हैप्पीनेस लाता है आपकी स्किन में, और सबसे बड़ी बात आपकी स्किन में चमक लाता है, ब्राइटनेस लाता है, ग्लो लाता है। ये आपको अल्ट्रावायलेट रेज से भी प्रोटेक्ट करता है एंड कॉम्प्लेक्शन को भी ठीक करने की कोशिश करता है। इसके थोड़े से साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ केसेस में थोड़ा सा इचिंग, ड्राइनेस आपको लगेगा जो कि टाइम के साथ ठीक हो जाता है, ये भी कुछ केसेस में होता है। बाय द वे, ये एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है, डोंट वरी अबाउट दिस। ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने बताए हैं ये कोई डर्मेटोलॉजिस्ट भी गलत नहीं बोल सकता आपको, ये मेरी गारंटी है। पॉइंट नंबर 7, सॉल्ट्री फेस क्रीम। ये आपके स्किन को ब्राइटनेस प्रदान करता है, ये आपके कॉम्प्लेक्शन को भी वाइट करता है एंड ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ भी करता है। इसमें अश्वगंधा, शतावरी, विटामिन ई जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्किन के और सारे प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। पॉइंट नंबर 8, स्किन ब्लेस क्रीम। ये क्रीम एजिंग स्पॉट्स को ख़त्म करता है, मार्क्स एंड पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट बनाता है। ये आपको स्ट्रेस, सनलाइट और धूल कणों से होने वाले प्रॉब्लम्स से बचाता है, एक्ने को ख़त्म करता है। उसके साथ साथ इसमें विटामिन सी और कोलेजन जैसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो आपकी स्किन के इलास्टिसिटी को कम नहीं होने देता। तो ये थे 8 नेचुरल फेस क्रीम्स जो कि एक्चुअल में काम करते हैं। तो अब आप कहोगे, अगर ये नेचुरल फेस क्रीम्स हैं तो इनको मार्केटिंग सही से क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं हर जगह हमें यही देखने को मिलते हैं, क्यों ना टीवी, यूट्यूब पे एड्स में यही दिखाता है
देखो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं ये एक्चुअल में कॉस्टली होता है एंड जिस वजह से इनको मार्केटिंग करने का शायद उतना मौका नहीं मिल पाता है बिकॉज जो पैसा ये मार्केटिंग पर लगाएंगे वो प्रोडक्ट में लग जाता है। और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं जिनके बहुत ज़्यादा एड्स चलते हैं याद रखना वो अपने प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं देते, वो केमिकल युक्त प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता और उस पैसे को वो मार्केटिंग पर खर्चा करते हैं। कई सारे ब्रांड्स इवन जितने भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो सारे केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। कुछ के अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो आपको जल्दी बूढ़ा बना सकता है, कुछ के अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी फेस को बर्बाद कर सकता है, कुछ के अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आपको कैंसर तक हो सकता है। ये कहावत है, जब तक सच्चाई चप्पल पहनेगी तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आ जाता है, उसी तरह इन प्रोडक्ट्स के साथ हो रहा है। ये प्रोडक्ट्स एक्चुअल में सच्चे हैं लेकिन इनको कोई नहीं जानता। अब हम बात करेंगे कैसे जाने कोई क्रीम हमारे स्किन के लिए अच्छा है या फिर नहीं। पैराबीन्स, SLS, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टोराइड जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इन इंग्रेडिएंट्स में से दो चार भी अगर मिल जाएं तो समझ जाओ कि इसे फेंक देना है यहीं पर। ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे फेस क्रीम से दूर भाग जाओ। कोजिक एसिड, आर्ब्यूटीन, लिकोरिक एसिड, विटामिन सी, ये जो इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स अगर हैं तो समझ जाओ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये एकदम बढ़िया है। एक और बहुत बढ़िया तरीका है पहचाने का, ये जो फेक प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो अपने इंग्रेडिएंट्स को छुपा देते हैं, कुछ 10% इंग्रेडिएंट्स 20% दिखा देंगे एंड बाकी छुपा देंगे। ये अपने प्रोडक्ट को आयुर्वेदिक, केमिकल फ्री, स्किन ग्लोइंग, पता नहीं क्या क्या बोल के बेचते हैं लेकिन इनके प्रोडक्ट में दम नहीं होता। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए मैं कोशिश करूंगा उनका लिंक्स मैं आपको दे सकूं अगर मिल जाए तो, एंड अगर नहीं मिला देन आप अपने आसपास के शॉप से मंगा सकते हो। फेस क्रीम के वीडियो के लिए 500 कमेंट्स का टारगेट दिया था, आप लोगों ने पूरा कर दिया, वादा के हिसाब से मैंने वीडियो लाया। अगर 600 कमेंट्स करोगे तो फेस वॉश के लिए वीडियो लाऊंगा। फेस वॉश इज वो फेस वॉश है जिससे आप बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख सकते हो। 600 कमेंट्स का ऑनली टारगेट है, अगर पूरा कर दिया तो ऐसे फेस वॉशेज बताऊंगा जिससे बहुत ज़्यादा हैंडसम आप दिख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो एक लाइक करें एंड अगर आप मुझसे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो नंबर दिख रहा होगा, पेड कॉल बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।